डिश है पालक पनीर। पालक पनीर जो बिल्कुल इजली बनाएंगे हम। आपने हमेशा तड़के वाला या किसी तरह का पालक पनीर बनाया होगा, आज हम बहुत ही इजली पालक पनीर बनाने वाले हैं। देखिए, ये मैंने 500 ग्राम पालक वॉश कर लिया है, काट कूट के रख दिया है, साफ सुथरा कर लिया है। अब हम इसको काट करके अपने अवन में उबाल लेंगे। और ये मेरे पास पनीर, क्योंकि आज की डिश का नाम ही है पालक पनीर, और उसमें हम लेमन हरी मिर्च का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आइए हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से हम पालक को, जो हमने क्लीन करके रखी हुई है, धो के वॉश करके डंडियां उनकी क्लीन करके इस तरह से काट करके 5 मिनट का ओवन सेट कर लेंगे। दीजिए, 400 ग्राम पालक मैंने इस तरह से काट ली है। अब हम इसको ओवन में स्टीम होने रख देंगे। और ये मैंने 100 ग्राम रख दी है। 400 ग्राम पालक हम इस तरह से उबाल लेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से उबल जाएगी ये। लीजिए, नमक नहीं डालेंगे, मैंने बेकिंग पाउडर डाला है सिर्फ एक चुटकी। आप देख रहे होंगे कि एक चुटकी बेकिंग पाउडर काफ़ी है, क्योंकि इसको बहुत अच्छी तरह से उबालने में अच्छा रहेगा बेकिंग पाउडर। और ये लीजिए, हम इसको अवन में रख देते हैं सिर्फ 5 मिनट के लिए। पाँच मिनट के बाद हम ओवन को खोल लेंगे। लीजिए, ओवन से हम निकाल लेते हैं। हमारी पालक अच्छे से बॉइल्ड हो चुकी है। ये लीजिए, देखिए, नमक नहीं डाला था इसलिए पूरी तरह से ग्रीन है। ग्रीन का मतलब यही है कि हमने जब नमक डालते हैं तो ये ब्लैक हो जाती है। अब हमने ग्रीन रखना था इसलिए नमक नहीं डाला था। और ये अब हम कटी हुई मिर्च भी डाल देंगे और ब्लेंड कर लेंगे। लीजिए, अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। देखिए, बहुत अच्छी तरह से उबल चुकी है हमारी बिल्कुल ग्रीन पालक है। नमक भी नहीं डाला था इसमें, पानी भी नहीं डाला था, क्योंकि ऑलरेडी पालक के अंदर काफ़ी पानी होता है। ब्लेंड हो गई है, पूरी तरह से ब्लेंड हो गए हैं। देखिए, बिल्कुल ग्रीन पालक है। अब हम इसमें नमक मिलाएंगे, जितना हमें पसंद है उतना ही मिलाएंगे। वैसे 400 ग्राम मेरी पालक है तो मैं इसके अंदर आधा चम्मच ही नमक मिलाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी जो पालक होती है वो नमकीन ही होती है, तो नमक कम ही डलता है इसमें। आधी चम्मच काफ़ी है। अगर हमें लगेगा कि ज़्यादा कोई जना नमक खाता है तो वो डाल सकता है, वैसे उसमें आधी चम्मच काफ़ी है। अब हम हल्का नमक जो है इस पर भी लगाएंगे, पनीर पर, क्योंकि हम पनीर फ्राई करके नहीं डाल रहे हैं, बहुत ही इजली पनीर वो बना रहे हैं हम पालक पनीर, इसलिए हम पनीर को फ्राई नहीं कर रहे हैं। कच्चे पनीर की प्योरिटी बहुत ही स्पेशल होती है और बहुत ही टेस्टी होती है। हम कच्चा पनीर यूज़ करेंगे पालक पनीर के लिए। इस पर भी मैंने नमक स्प्रेड कर दिया है और अब हम कढ़ाई में सर्व कर लेंगे। ले लीजिए, हमारा पालक पनीर रेडी हो गया है। आपने कई बार देखा होगा कि पालक पनीर बनाने में लोग समझते हैं बहुत टाइम लगता है, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। आप इस मेथड से बनाएंगे तो बहुत ही इजीली सब कुछ बन जाता है। ये लीजिए, पालक पनीर बिल्कुल रेडी हो गया है। 5 मिनट मैंने ओवन में रखा था बिना नमक डाले, और हल्का सा एक चुटकी मैंने बेकिंग पाउडर ज़रूर डाला था, क्योंकि उसका कलर जो है पालक का ग्रीन ही रहता है। और अब हम इसके अंदर इसको चलाते हुए अपने पनीर ऐड कर लेंगे, जो मैंने पहले से ही पनीर पर नमक कोट करके रखा हुआ है। अब लीजिए, 2 मिनट मैंने पका लिया है और अब हम गैस बंद कर देंगे और पनीर ऐड कर लेंगे। लीजिए, फाइनली अब हम पनीर ऐड कर लेते हैं, जो हमारी आज की डिश है पालक पनीर। ये लीजिए, इस तरह से हमारा पालक पनीर बहुत ही इजीली रेडी हो गया है।
और आपने देखा होगा कि कुछ भी समय नहीं लगा है, बहुत ही जल्दी हमारा पालक पनीर रेडी हो गया है। लीजिए, पालक पनीर हमारा रेडी है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और देखिए बहुत इजी बन गया है। अगर आपको लगता है कि आपसे पालक पनीर बनाना आपको मुश्किल लग रहा है, तो आप मेरे मेथड से बना करके देखें कि बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्दी बन जाता है। ये लीजिए, पनीर हमारे पास और भी है, पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे और फिर बाकी का पनीर और ऐड कर लेंगे। ये लीजिए, मैंने 400 ग्राम पालक का पालक पनीर बनाया है और 250 ग्राम पनीर डाला है। कटी हुई हरी मिर्च डाली है मैंने, लाल मिर्च का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है, हरी मिर्च ही कटी हुई डाली है। और फाइनली अब हम इसमें, लीजिए हमारा पालक पनीर रेडी हो गया है, बहुत ही इजीली बना है। बस फाइनल टच देने के लिए हम इस पर रेड चिली जो है, रेड मिर्च वो स्प्रिंकल करेंगे, फाइनल टच देने के लिए करेंगे, और बिल्कुल नहीं, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और अगर आपको लगे कि आपसे आपकी जो पालक उबाली है उसमें पानी वानी डल गया है, मैंने पानी नहीं डाला है, अगर पानी डल गया है तो घबराइए नहीं। ये जो है कॉर्नफ्लावर, इसका 1 चम्मच, जब आप पालक को उबली हुई को ब्लेंड करेंगे इसका 1 चम्मच बीच में ऐड कर दें, तो पालक अपनी थिकनेस पकड़ लेगी और आपका पालक पनीर फिर से वैसा ही हो जाएगा जैसा आप चाहते हैं, उसमें कोई टेस्ट नहीं बिगड़ेगा। और अब फाइनल टच के बाद अब हमारा फाइनली लास्ट में बटर, देखिए बहुत ही इजीली बन गई है हमारी पालक पनीर की सब्जी। आज की डिश ही हमारी पालक पनीर है, बिल्कुल ग्रीन, प्रोटीन कैल्शियम से भरी हुई। अगर आपको हमारी बनाई हुई डिशेस पसंद आ रही हैं तो आप जरूर ट्राई करें, आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।